गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रॉक एंड फॉर्म्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली द कौन सा कौन सा रॉक्स है और साथ में उसका जो फॉर्म्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सो प्लीज़ गो थ्रू वट द स्लाइड्स आर बीन गिवन इनिशियली इग्निशियस रॉक सो इन दिस केस this is formed by the hot lava pours out the time of volcanic eruptions and cools down later on forming igneous rock so हम जानते हैं जो कि वोल्केनो से जो बाहर निकलते हैं जो मैग्मा कहते हैं उससे जो फॉर्म हुआ जो रॉक होता है उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं the molten material sometimes cooled down beneath the earth's crust forming igneous rocks there are no layers in igneous rocks fossils are not found in it नॉर्मली जो फॉजल्स होते हैं इस रॉक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा जितने भी इग्निसेस रॉक होते हैं ये जितने भी है वो सब हॉट लावा से बैल्कनों से निकलता है अगर हम देखा जाए ग्रैनइट फ्रॉम जेनेसिस दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जो ग्रैनाइट है वो कहाँ से निकलता है जेनेसिस से ये जेनेसिस वो चीज़ है जो कि मेटामॉर्फिक फॉर्म होता है ग्रानेइट का हम लोग घरों में जितने भी ग्रानाइट आप लेआउट करते हैं वो जेनेसिस जो कि मेटामॉर्फिक फॉर्म से निकलता है और जो कि बसाल्ट है ये होमब्लैंड से निकलता है जो कि मेटामॉर्फिक फॉर्म होता है बसाल्ट का ये आप याद रखिएगा बसाल्ट जो है कहाँ से निकलता है होमब्लैंड से अगर बात आता है गैब्रो ये जो गैब्रो है सरपेंटाइन यानी मेटामॉर्फिक फॉर्म यह सरपेंटाइन यहाँ से आप गैब्रो निकलता है इस तरह का अलग अलग ग्रेनाइट बसाल्ट और गैब्रो अलग अलग रॉक से निकलता है सो so, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है अब इग्नियस रॉक हो गया अब बात आता है सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्री रॉक वो चीज़ है जो कि दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन सेडिमेंटेशन एंड लिथिफिकेसन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो इसमें आपको लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेगा और फॉजल्स भी आपको देखने को नहीं मिलेगा सो so, इसका मतलब एक इग्निश्स रॉक हो गया और एक सेडिमेंट्री रॉक हो गया इनमें लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स सेडिमें ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलता है और लाइम जो है यहाँ पे मेटामार्फिक फॉर्म है किसका मार्बल का जो कि अगला जो कोल है जो कोयला होता है और ये ग्राफाइड कोल से निकलता है ये ग्राफाइड कोल जो है मेटामार्फिक फॉर्म है साथ में सैंडस्टोन आप जानते हैं जो कि यहाँ पे क्वाडजाइट है यहाँ पे मेटामॉर्फिक फॉर्म है सैंडस्टोन का ठीक उसी तरह स्लेट जो मेटामॉर्फिक फॉर्म है वो शेल का है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है मेटामॉर्फिक वो चीज़ है जो कि नेचर ऑफ इग्निशियस एंड सीडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस ड्यू टू तो द इफेक्ट्स ऑफ हीट जो इनिशियल जैसे कि आयरन एलिमेंट कहाँ से निकलता है वोर क्या है जैसे कि हम लोग जानते हैं हेमाटाइट है ठीक उसी तरह हम लोग जानते हैं जैसे कि चिनाबार जो कि मेरक्यूरी का ओर है ठीक वैसे ही जितने भी रॉक्स बनते हैं चाहे वो मार्बल हो चाहे वो ग्रानाइट हो उनका जो स्टार्टिंग जो इनिशियल जो फॉर्म होता है रॉक का उसको मेटामार्पिक फॉर्म कहते हैं सो द नेचर ऑफ इग्नियस अन सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस ड्यू टू द एफेक्ट्स ऑफ प्रेमंडस हीट और प्रेजर अ न्यू ट्रांसफॉर्म रॉक्स कॉल्ड मेटामार्फिक रॉक्स ये ही एक मेन इंटेंशन है ये जितने भी रॉक्स है आप लोग याद रखिएगा सो इग्निजस रॉक्स क्या होता है मेटामार्फिक रॉक्स क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगर आपको इसके अलग अलग टॉपिक वाइज अगर आपको देखना है जी के यू कैन गो थ्रू माई यूट्यूब चैनल वेर यूल गेट इन प्ले लिस्ट गो थ्रू दैट यू विल फाइंड मैक्सिमम इफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स अगर आपको मटीरियल चाहे आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर दिस इज़ सेवन ट्रिपल सिक्स सेवन थ्री जीरो टू फाइव टू थैंक यू गाइज हैवे अ गुड डे हेवे अ ग्रेट लाइफ